तो दोस्तों, आज से लगभग एक सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कम्युनिटी टैब को लेकर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी टैब 0 सब्सक्राइबर पे तो नहीं बट 500 से कम सब्सक्राइबर पे इनेबल हो जा रहा है। उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था और आज मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी कम्युनिटी टैब इनेबल हो चुका है और मेरे चैनल पे अभी 500 से कम सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आपके चैनल पे भी 500 से कम सब्सक्राइबर हैं तो आपके चैनल पे भी कम्युनिटी टैब इनेबल हो सकता है। बट इसके लिए आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपका चैनल सही तरीके से कस्टमाइज होना चाहिए, मतलब कि आपके चैनल पे बैनर लगा होना चाहिए और लोगो लगा होना चाहिए। दूसरी बात, आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आपका चैनल नॉट मेड फॉर किड्स पे सिलेक्टेड होना चाहिए, मतलब कि आपके चैनल पे बच्चों से रिलेटेड कंटेंट अपलोड नहीं होना चाहिए। चौथा चीज, आपके चैनल पे आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो हो सकता है कि आपको कम्युनिटी टैब न मिले। और उसके बाद पांचवा और सबसे जरूरी चीज, आपके चैनल पे एडवांस फीचर इनेबल होना चाहिए, तभी आपको कम्युनिटी टैब मिल सकता है। अगर आपके चैनल पे ये पांचों चीज़ है तो जल्द ही आपके चैनल पे भी YouTube टीम कम्युनिटी टैब को इनेबल कर देगी। हालांकि ये जो फीचर है अभी नया रोल आउट हुआ है, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो जिनको अभी कम्युनिटी टैब नहीं मिला है धीरे धीरे उनको भी मिल जाएगी। बट उसके लिए आपके चैनल पे ये पांचों क्राइटेरिया जो है ये कम्प्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे ये पांचों क्राइटेरिया कंप्लीट है, इसीलिए YouTube ने मेरे चैनल पे कम्युनिटी टैब इनेबल कर दिया है। तो दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट हमेशा लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।